तो दोस्तों डायनासोर किंग एंड इस गेम प्ले के पिछले एपिसोड में हमारे सेठ के साथ फाइट होने वाली थी। तो दोस्तों देखते हैं कि आगे क्या होता है। सो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं सेठ मुझसे कह रहा है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे जैसा बच्चा अर्चला को हरा सकता है और यहाँ तक आने के सारे रास्ते बना सकता है। और फिर तभी सेठ मुझे देखकर कहता है, तुम बाकी सबसे अलग हो, तुम बाकी दोस्तों की तरह नहीं हो। आई कैन सी यू, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, तुम कोई बेवकूफ़ बच्चे नहीं हो। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं सेठ मेरी तारीफ़ कर रहा है यहाँ पर। और अब इसके आगे हम देखते हैं, अगर मैं जीता तो ये स्टोन फ्रैगमेंट मेरा हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। इसे जीतने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी होगी। चलो अब देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो, मुझे अपने सारे बेस्ट मूव दिखाओ बच्चे। चलो अब इस फाइट को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि सेठ मेरे सामने स्पाइनोसॉरस को लेकर आ चुका है। सो दोस्तों जैसे कि मेरी फाइट सेठ के साथ हो रही है, तो जाहिर है कि ये कोई नॉर्मल फाइट नहीं होगी, ये बहुत ही मज़ेदार फाइट होने जा रही है। और दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि मैं अपने कार्नोटॉरस को लेकर आ चुका हूं और सेठ मुझसे कह रहा है कि इस मैच को छोड़ने का कोई चांस नहीं है। तो दोस्तों मैं अपने पंच का इस्तेमाल करता हूं और सामने वाले सेठ ने भी पंच का इस्तेमाल किया है, इस वजह से टाई हो गया है। तो मेरा थोड़ी बहुत एचपी कट गई है और सेठ की भी डायनासोर की एचपी बहुत आसानी से कट रही है। तो मैं पेपर ट्राई करता हूं, फिर से सीधा आ गया। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि मुझे स्प्लैश प्रेस से मार रहा है स्पाइनोसॉरस। ओ माय गॉड, इधर भी नहीं, उधर भी नहीं, इधर भी नहीं है, कहाँ पर, ऊपर। ओ माय गॉड, इतना सारा पानी, बहुत सारा। लेकिन इससे आई थिंक मेरी बहुत एचपी जाने वाली है, इस मैच में बहुत प्रॉब्लम पड़ने वाली है, क्योंकि सेठ लड़ रहा है तो जाहिर है ये मेरी काफ़ी सारी एचपी लेकर जाएगा। और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं स्पाइनोसॉरस इस्तेमाल कर रहा है फॉलिंग वाटर का, जिससे मेरी काफ़ी हद तक एचपी ले लेगा और मेरी काफ़ी हद तक मैं कमज़ोर हो सकता हूँ। ओ माय गॉड, मेरी एचपी काफ़ी कम है, इससे मेरी बहुत ज़्यादा एचपी लॉस हो रहा है। मेरे ख्याल से अब मुझे शायद सीजर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, सो सीजर्स का इस्तेमाल करने के बाद मुझे टाई हो गया है और अब हमारी ओके। तो ये एक ही बार मार गया। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने स्पाइनोसॉरस को इतना आसानी से हरा दिया, ये कैसे हो सकता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। सॉरी, लेकिन मैं स्पाइन को जीत चुका हूँ सेठ, तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। नाउ ये वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं। सेठ मुझसे कह रहा है कि अब मैं बहुत बड़ी परेशानी में फंसने वाला हूँ, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया। बट आई एम नॉट फिनिश, ये फिनिश नहीं हुई है फाइट, जैसे हम सोच रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये फाइट तो अभी और भी बाकी है। सेठ का स्पाइनोसॉरस अभी हारा नहीं है, इसकी तो एचपी पूरी चार्ज है। ये तो अब वो दिखाने, सेठ कह रहा है मैं तुम्हें वो दिखाने वाला हूँ जो तुमने अभी तक देखा नहीं। आखिर किस बारे में बात कर रहा है सेठ? सेठ तो पूरी एचपी वापस लेके आ गया, मेरी एचपी इतनी छोड़ दी, गलत बात है। और ये क्या पेपर, ये मुझे फिर से मारने वाला है। थ्रो। सो स्पाइनोसॉरस अब मेरी काफ़ी हद तक एचपी ले चुका है, मेरी आधी एचपी बची हुई है। मैं सीजर्स का इस्तेमाल करता हूँ। ओके, अरे फिर से पंच, ये क्या हो रहा है, मेरा ऑटोमेटिकली मूव गलत कैसे लग रहा है हर बार। एक बार और ट्राई करना पड़ेगा, मुझे शायद कुछ प्रॉब्लम है। पेपर, ओके, टॉर्नेडो टॉस, सीजर। सो दोस्तों आई थिंक सेठ ने कुछ ना कुछ ट्रिक यूज़ कर रहा है, जिससे मेरे आने वाले मूव्स को पहले प्रेडिक्ट कर पा रहा है। क्योंकि मैं पेपर लेता हूँ तो ये सीजर लेता है, जब मैं सीजर लेता हूँ तो ये पंच लेता है, जब मैं पंच लेता हूँ तो ये वापस से पेपर ले लेता है। ओके दोस्तों, इसी के आप देख सकते हैं मुझे लगातार मार रहा है, मेरी एचपी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, अब मैं कैसे लड़ूँ इससे। मेरे लगता है अगर ऐसे चलता रहा तो मैं ये मैच हार जाऊँगा। अभी सेठ रैम मूव का इस्तेमाल कर रहा है। सो अभी फिलहाल मेरी एचपी तो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, रेड लाइन आ चुकी है। सो मेरे पास अभी बाकी डायनासोर्स के पास भी एचपी बहुत कम है, पंच का इस्तेमाल करने पर भी अगर मैं देखूं तो मुझे बार बार ही मेरा मतलब मूव काट देता है। सो मैं अब क्या करूं, मेरी एचपी कम से कम 900 बची हुई, 944। सीजर्स का इस्तेमाल करता हूं। ओके, इसने मेरा फिर से इस मूव को भी कैंसिल कर दिया, ये बार बार मेरा मूव ऑटोमेटिकली कैंसिल कर रहा है, ये कुछ ऐसे ट्रिक इस्तेमाल कर रहा है, इसके बारे में मुझे अभी पता नहीं। मेरी एचपी ओनली 58 बच गई। पेपर्स, माई गॉड, प्लीज़ नहीं लगा इस बार भी। ओहो, ऐसे तो मैं ये फाइट हार जाऊंगा, अगर मैं ये फाइट हार गया तो मेरे सारे स्टोन चले जाएंगे और शायद डायनासोर भी चला जाएगा, टाइटेनोसॉरस। लेकिन टाइटेनोसॉरस की तो ऑलरेडी ये बहुत एचपी कम है, ये इससे तो लड़ना शायद बहुत ही मुश्किल है। पेपर, सीजर, ये भी हार गया। अब मेरे पास सिर्फ टेरी बचा हुआ है जो शायद मेरा साथ दे सकता है। तो मेरे टेरी, प्लीज़ कम बैक। सो आ चुका है मेरा टाइटेनोसॉरस। दोस्तों मेरा टाइटेनोसॉरस आ चुका है, अब मैं टाइटेनोसॉरस के मूव का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मेरा टाइटेनोसॉरस भी हार चुका है। और अब मैं ये बैटल हार चुका हूं, तो देखते हैं कि आगे क्या होता है, आखिरकार मुझे सेठ ने हरा ही दिया। दोस्तों मैं जैसा आपसे कहा था कि सेठ के साथ जब भी फाइट होती है तो हमेशा कुछ नॉर्मल नहीं होता, सेठ हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करता है जो किसी ने सोचा नहीं होता। और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे डायनासोर कार्ड्स भी गायब हो गए हैं, अब बिना डायनासोर कार्ड्स के तो मैं इसे दोबारा लड़ भी नहीं सकता, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। माई कार्ड्स, मेरे कार्ड्स आखिर गए कहाँ? दैट्स अ पावर, हैव देयर वैनिश्ड। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो शायद ऐसी पावर है जिसने मेरे कार्ड्स गायब कर दिए हैं। आई गेस यू विन,
मैं समझता हूँ शायद तुम जीत चुके हो। और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं शायद मुझसे कह रहा है ऐसा लगता है कि अब तुम कुछ नहीं हो, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता करने की ज़रूरत है। लेकिन 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 डायनासोर्स को भी ये पता होना चाहिए कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, मुझे आखिर कितना बुरा लग रहा है इस लड़ाई को हारने के बाद, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे अभी जोई का ट्रांसमिशन आ रहा है और यहाँ पर जोई मुझसे बात कर रही है, तभी रैक्स जोई को देखकर कहता है जोई ये तुम हो, तुम्हें पता है मैं ये लड़ाई हार गया और मेरे डायनासोर कार्ड्स भी गायब हो गए। तो दोस्त जैसे कि आप देख सकते हैं रैक्स के अभी डायनासोर कार्ड्स भी गायब हो चुके हैं, तो आखिर अब रैक्स कैसे लड़ेगा? तो बहुत ही सोचने की बात है क्योंकि बिना डायनासोर्स के तो रैक्स फाइट कर ही नहीं सकता। सो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। डोंट वरी योर डायनासोर कार्ड्स आर सेफ इन बैक इन डायनो रूम। सो दोस्तों हमारे डायनासोर कार्ड्स तो अभी सेफ हैं, वो सेफली चले गए हैं डायनो रूम के अंदर जहाँ से हम उन्हें वापस लेकर आ चुके हैं। हमें फिलहाल ब्रांच पर जाना होगा जहाँ से हमें वो डायनासोर कार्ड्स वापस मिलेंगे। लेकिन बिना डायनासोर कार्ड्स के मैं लड़ूंगा कैसे, ये तो बहुत ही परेशानी की बात है। तभी जोई मुझसे कहती है क्या तुम रीस के बारे में भूल गए, हमारी डी लैब की सबसे ज़्यादा मोस्ट ब्रिलियंट साइंटिस्ट। दोस्तों मुझे लगता है ऐसा कहकर शायद जोई मुझे कुछ बताना चाहती है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे सामने अभी रीज आ चुकी है, ये मुझसे कह रही है इस डेवलप ने रिमोटली ट्रांसफर कार्ड्स, इसने एक ऐसी मशीन बना रखी है जिससे हम डायनासोर कार्ड्स को रिमोटली तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं बुरी से बुरी सिचुएशंस के अंदर। दोस्तों ऐसे आप देख सकते हैं कि मेरे डायनासोर कार्ड ट्रांसफर कर दिए गए हैं डी लैब के अंदर, अब मैं शायद ब्रांच से जाकर उन्हें ले सकता हूँ। बट हैविंग माई कार्ड इज़ नॉट इनफ, लेकिन मेरे पास जितने कार्ड है वो इनफ नहीं है। मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरे डायनासोर वही फील करें जो भी मैं फील कर रहा हूँ। और दोस्तों इतना सब कहने के बाद रैक्स कहता है ओह। तो दोस्तों फिर सेथ हमसे कहता है ये तुम क्या खुशफुसा रहे हो, आखिर तुम किससे बात कर रहे हो, तुम तो पहले ही हार चुके हो, व्हाट आर यू हैपनिंग, व्हाट्स हैपनिंग, ये हो क्या रहा है, तुम ये क्या कर रहे हो। तो दोस्तों लगता है सेथ ने कुछ होता हुआ देख लिया है, आई थिंक कुछ पाओ, ओह माय गॉड ये अजीब सी फ्लेयर क्या निकली। दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं रैक्स ग्लो कर रहा है, माय डायनासोर्स ग्लोइंग, ऐसा लगता है जैसे रैक्स का डायनासोर ग्लो कर रहा है, नहीं डायनासोर ग्लो, डायनासोर ग्लो नहीं कर रहा, ये कुछ और ही चीज़ है, इट्स स्टोन। तो दोस्त जैसे आप देख सकते हैं कि हमारी स्टोन टैबलेट ग्लो कर रही है, आई थिंक हम डायनासोर से बात कर रहे हैं, डू नॉट फियर रैक्स। सो दोस्तों हमारे डायनासोर हमसे कहना है कि हम बिल्कुल भी ना डरें। और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी बात अभी डायनासोर्स की आत्मा से हो रही है और ये हमसे कह रही है उठो खड़े हो रैक्स, तुम्हारा दिल हमेशा हमारे साथ है, हम तुम्हारे साथ हमेशा हैं। तो दोस्तों अब मैं आराम से लड़ सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ऑल राइट, जब मैं लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ऑल राइट सेथ, ये फाइट बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई, मैं इस फाइट को जीत के दिखाऊंगा, एंड आई एम नॉट गोइंग टू लूज, मैं बिल्कुल भी नहीं हारा इस बार। तो दोस्त जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे रैक्स के अंदर पावर आ चुकी है बहुत डायनासोर्स की। और दोस्तों इतना सब देखने के बाद सेथ मुझसे कहता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, डायनासोर पावर पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, तो अब शायद सेथ का मुझे हराना बहुत मुश्किल है, परहैप्स मैं जानता हूँ शायद हो भी सकता है। और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं सेथ मुझसे बिना लड़े ही जा रहा है और ये मुझसे कह रहा है कि ये वापस तब आएगा जब ये इतना पावरफुल हो जाएगा कि मुझसे लड़ सके। तो दोस्तों आखिरकार हमने डायनासोर से बात कर ही ली इस गेम में। और दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे डायनासोर से बात कर कितनी खुशी हो रही है, लेकिन ये क्या मेरी पावर कहाँ गई? तो दोस्त जैसे कि आप देख सकते हैं सेथ यहाँ से जा रहा है, और ये क्या सेथ ने हमें छठा स्टोन फ्रैगमेंट भी दे दिया। तो दोस्तों अब हमारे पास पूरे 6 स्टोन फ्रैगमेंट हो चुके हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, हमें स्टोन फ्रैगमेंट मिल चुका है और अब सेथ यहाँ से जाने वाला है। तो दोस्तों फिलहाल तो अभी सेथ यहाँ से जा रहा है और यहाँ पर जाते जाते उसे मैक्स मिल गया। और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मैक्स मुझसे पूछ रहा है हे रैक्स आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और दोस्तों सेथ हमारी मैक्स से तारीफ करते हुए कह रहा है तुम्हारा दोस्त सच में कुछ तो है। और तभी मैक्स सेथ को बताता है ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ सेथ कि वो मेरा दोस्त है, वो कभी कोई लड़ाई नहीं हारता। तो दोस्त अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं सेथ मुझसे कहता है कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है, लेट्स मीट अगेन। तो दोस्तों हम सेथ से दोबारा मिलने वाले हैं फ्यूचर में। रैक्स मुझे लगता है ये लड़ाई तुम्हारे लिए थोड़ी मुश्किल रही होगी आम लड़ाइयों के मुकाबले, लेकिन तुम श्योर होना कि तुम पक्का ठीक हो? हाँ मैक्स मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन सेथ ने मुझे हरा दिया। लेकिन तभी अचानक से मेरे डायनासोर से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी, और तभी मैक्स मुझसे कहता है तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए रैक्स, तुम्हारे डायनासोर से अचानक रोशनी निकलनी शुरू नहीं हुई। लेकिन तभी हमें रीस का ट्रांसमिशन मिलता है और उस ट्रांसमिशन पर जोई बात कर रही होती है, और तभी जोई हमसे कहती है मैक्स रैक्स तुमने डायनासोर के साथ क्या किया? तभी मैक्स जोई से कहता है ओ जोई ये तुम हो, तुम कहना क्या चाहती हो, हमने डायनासोर्स के साथ क्या किया है? तभी जोई हमसे कहती है क्या किया है, तुमने डी लैब में हंगामा कर रखा है। और फिर रीस तभी मैक्स और रैक्स से कहती है चलो अब तुम दोनों डी लैब वापस आ जाओ। तो दोस्तों अब हम जाने वाले हैं डी लैब, और डी लैब में जाने से पहले हमारी मुलाकात होती है डॉक्टर जी से, और तभी डॉक्टर जी अर्सला और सेथ से कहते हैं अर्सला सेथ तुम दोनों मिलकर भी अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर पाए,
मैं समझता हूँ ये जरूर मेरी ही गलती है जो मैंने उन परेशान करने वाले बच्चों को अंडर एस्टिमेट किया। लेकिन तभी अर्सला डॉक्टर जी से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए डॉक्टर जी, लेकिन उन बच्चों को 7 पत्थरों में से 6 पत्थर तो मिल चुके हैं डॉक्टर जी। लेकिन तभी डॉक्टर जी अर्सला से कहते हैं, हे, मेरे पास एक परफेक्ट प्लान है जिससे मैं उन बच्चों से वो सारे स्टोन फ्रेगमेंट्स वापस ले लूंगा और अब मुझे इस दुनिया पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब चलो अपने सारे डायनासोर्स को साथ ले लो, अब हमें तैयारी करनी होगी हमारी आखिरी लड़ाई की। बस एक बार जब मेरे पास 7 पत्थर हो जाएंगे तब इस दुनिया पे मेरा राज होगा। तो दोस्तों अब हम डी लैब वापस आ चुके हैं और डॉक्टर टेलर मुझसे कह रहे हैं, तुम ऐसा कहना बंद करो, उन पत्थरों से अचानक से रोशनी निकलनी शुरू हो गई। तुम्हारे उन पत्थरों से रोशनी इसलिए निकलनी शुरू हुई ताकि वो तुम्हें पहले से भी ज्यादा ताकतवर बना सके। हाँ, ये ठीक उसी तरह था जैसे मैं अपने दिमाग में जो कुछ भी सोच रहा हूँ वो सब सुन पा रहे हैं और मुझे मेरी सभी बातों का जवाब दे रहे हो। तभी रीज मैक्स और रेक्स को बताती है, क्या तुम्हें पता है तुम दोनों के डी लैब वापस लौटने के बाद हमें तुम्हारे डायनासोर से एक बहुत ही ताकतवर रिएक्शन का पता चला है। तभी रीज मैक्स और रेक्स से पूछती है, क्या तुम दोनों जानना चाहते हो वो ताकतवर रिएक्शन आखिर है क्या? तो दोस्तों उस ताकतवर रिएक्शन को हम देखेंगे डायनासोर किंग एंडिस गेमप्ले के पार्ट 39 में। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डायनासोर किंग की कोई भी नई वीडियोस कभी मिस ना हो। तो दोस्तों अब मिलेंगे डायनासोर किंग की अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय एंड कीप वॉचिंग डायनासोर किंग।